बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई। तो जिसके लिए मैंने कढ़ाई गर्म कर ली हुई है चूल्हे पे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप ऑयल। तो अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूंगी। कढ़ाई तो पहले ही गर्म थी तो ऑयल इसका मतलब गर्म हो जाएगा जल्दी। तो फिर मैं इसके अंदर 1 किलो चिकन जो है ना मैंने पहले साफ करके रखा हुआ है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है तो ये मैं चिकन इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। चिकन आप सारा भी ले सकते हैं जो मुर्गा होता है, लेकिन आप बोनलेस भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी। लेकिन मेरा चिकन जो है वो सारा है मुर्गा, उसको मैंने सारा एक ही तरह का यानी कि हड्डियाँ भी लेग पीस हर चीज अंदर ही है। तो अब इसको मैं फ्राई करूंगी 5 मिनट इसके अंदर ऑयल के अंदर। जब इसका कलर चेंज हो जाए अच्छी तरह से, ये लाइट ब्राउन हो जाए, फिर इसको मैं इसमें बाकी चीजें ऐड करूँ। अब चिकन जो है इसको मैंने 5 मिनट फ्राई कर लिया। तो अब मैं जो टमाटर है उनका मैंने छिलका उतार लिया, पहले इनका छिलका लाजमी उतारना है। तो अब मैं इनको पीसीस में काटती हूँ। मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज के, तो इनको आप पीसीज में काट के छिलका इनका उतार लिया हमने। अब इनको इनके अंदर डाल देंगे सबको उठा के। तो ये अब चिकन के अंदर मिक्स होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अभी तकरीबन 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट। अब ये टमाटर को इसमें मिक्स करना है हमने, 10 मिनट के लिए ढक देना। तो इसमें जरा सब्ज़ मिर्च जो है वो 3-4 मैंने काट के ऐसे ही डाल देनी है इसके अंदर। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देते हैं, क्योंकि हमारा टमाटर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जो चिकन है हमारा वो भी अच्छी तरह पक जाए। फिर उसके बाद आपको दोबारा बताते हैं कि इसमें जो चीज़ें ऐड करें। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही जो है ना वो भी डाल देना है। तो फिर इसको ढक के रहने देना है। टमाटर दही सब्ज मिर्च हर चीज चली गई है इसके अंदर। तो अब इसको 10 मिनट के बाद फिर दिखा। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जो है वो 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देती हूँ और 2 टीस्पून जो है वो सुरख मिर्च का पाउडर। वन एंड 1/2 टीस्पून नमक। और साबत मिर्च जो है वो सब्ज मिर्च जो है उसको साबत ही मैं इसके अंदर डालूंगी। पहले 2-3 काट के डाली थी, अब 3-4 जो है वो साबत ही डाल दूंगी इसके अंदर। तो अब इसको 2 से 3 मिनट 4 मिनट जो है ना 4 मिनट इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी, क्योंकि चिकन तो गल चुका है, मसाला भी सारा तैयार है इस टाइम। लेकिन अब इसमें नमक मिर्च अभी ऐड की है तो इसको अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि ये मसाला अंदर मिक्स हो जाए चिकन। अब इसको मैंने 4-5 मिनट जो है ना वो फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है, मसाला सारा इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम जो है जीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून जो है ना वो इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारी कढ़ाई जो है माशाल्लाह से तैयार है, बिल्कुल खुशबुएं बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो अब इसके अंदर मैं ढालूंगी सब्ज धनिया और उसके अलावा अदरक, वो मैंने बारीक काट लिया हुआ है थोड़ा सा, उसको इसके ऊपर डाल देंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।